वैलोरेंट टेक न्यूज़ के एक नया फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नो प्रशांत पे। और टेक्नो और टेक न्यूज़ के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रशांत। तो चलिए फटाफट से टेक न्यूज़ के एपिसोड शुरू कर लेते हैं। उसके पहले बता दो अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर दोस्तों पहली बार आ रहे हैं चैनल पे जो जाइए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलती रहती है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं खबर की तरफ और बात करते हैं पहली खबर की। जो पहली टेक न्यूज़ है वो निकल के आ रही है दोस्तों ऑनर की तरफ से। ऑनर का जो 10X एक फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है चाइनीज़ की टेना वेबसाइट पे। कुछ दिनों पहले भी ये फ़ोन लिस्ट हुआ था लेकिन अभी जो चाइना का एक सोशल मीडिया अकाउंट है वीबीओ पे भी ये लिस्ट हो गया है फ़ोन। ऐसा बताया जा रहा है कि 5G स्मार्टफोन आने वाला है एक ऑनर की तरफ से X10 नाम होने वाला है। और फ़ोन में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा आपको इस फ़ोन में। ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलेगा जो कि एल शेप में होगा जो कि ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 40 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर या फिर मैक्रो लेंस के साथ में ये फ़ोन आ सकता है। 6.63 इंचेस के एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ में, किरिन के 820 प्रोसेसर के साथ में, 4GB RAM, 64GB RAM, 6GB RAM, 128GB RAM और 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। होगा 20 मई को चाइनीज़ मार्केट में। ऑनर 9S, 9A और ऑनर 9 लॉन्च होने के बाद ये चाइना में 20 तारीख को लॉन्च होगा दोस्तों। फाइनली ऐसा पता चल गया है। और बात करते हैं इस खबर में बस इतना ही, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। जो दोस्तों दूसरी खबर निकल गया है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है या फिर एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जैसे Flipkart, Amazon काम करते हैं सेम वैसा ही ऐप आपको देखने के लिए मिलेगा। आप घर बैठे Xiaomi के कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर सकेंगे, कोई भी स्मार्टफोन बाई कर सकेंगे अगर आप एक ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहते हैं तो। व्हाट्सएप मैसेज करके आप फ़ोन को परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आने पे ऑन कार्ड या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। जो नंबर है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 8861826286, ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आप मैसेज करके अपने जो आपने प्रोडक्ट परचेस किया है उसकी जो लोकेशन रहेगी उसको भी ट्रेस कर सकते हैं और साथ ही अपने जो कब प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगा आपको होगा आप जो भी सारी जानकारी होगी ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा एक सुविधा या काफ़ी अच्छा फीचर्स है जिसमें लोग ग्रीन और ऑरेंज जोन के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो वो ऑनलाइन फ़ोन परचेस करके दोस्तों उसको बाय करके खरीद सकते हैं। जल्दी से जाइए और अगर आपको खरीदना है तो नंबर मैं एक बार आपको फिर भी रिमाइंड कर देता हूं दोस्तों 8861826286 ये व्हाट्सएप का नंबर है। जाइए और बाय करिए स्मार्टफोन और दोस्तों बैठे बैठे घर पे कुछ काम करिए, कुछ स्मार्टफोन खरीदिए और अपने शौक को पूरा करिए। और दोस्तों बात करते हैं तीसरी खबर की। जो तीसरी खबर निकल कर रही वो निकल कर रही है MIUI 12 को लेके। MIUI 12 इंडिया में भी लॉन्च हो गया है, इंडिया में उसको टेस्टिंग के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो कि इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जो होना पड़ेगा मी इंडिया का, जो आपको मी इंडिया की कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर आप अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। K20 और K20 Pro के जो यूज़र्स हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग के लिए कंपनी की यही कुछ शर्त है, रजिस्टर करने के लिए पहले आपको बीटा जो बीटा टेस्टिंग है उसमें आपको माहिर होना पड़ेगा। तो जाइए अगर आप माहिर हैं तो रजिस्ट्रेशन करिए, गूगल पे फॉर्म भरिए और साथ ही K20 और K20 Pro में रजिस्ट्रेशन करिए और जो आपका फीडबैक होता है दोस्तों फीडबैक हमको बताइए। देखते हैं दोस्तों आप कैसी उसका MIUI 12 का जो आप बीटा वर्जन है उसको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। जाइए करिए टेस्टिंग क्योंकि अभी इंडिया में आ गया है टेस्टिंग के लिए। तो भैया बात करते हैं चौथी खबर की। जो चौथी खबर दोस्तों निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप पे काफ़ी दिनों से टेस्टिंग में चल रहा था, 2018 से आई थिंक 2018 से टेस्टिंग में चल रहा था और अभी जो है व्हाट्सएप पे एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI और बहुत सारे ऐसे बैंक का इसको परमिशन मिल गया है। ये फ़ोन इसी महीने के जो ये व्हाट्सएप पे है इस महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जगहों से इसको टेस्टिंग जो है इसकी मिल गई है। फाइनल जो इसका फाइनल स्टेप था वो पूरा हो गया दोस्तों। तो आपको इस महीने के एंड तक यानी कि मई के एंड तक, एंड ऑफ द मे आपको व्हाट्सएप पे देखने के लिए मिल सकता है, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह वगैरह और अभी एक और नाम ऐड कर लीजिए व्हाट्सएप पे। तो भैया बात है कुछ ऐसी जो आखिरी खबर निकल गया है वो थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली है। जो पोको का एक नया जनरेशन वाला फ़ोन आने वाला है, पोको को ट्विटर अकाउंट पे आज कुछ शेयर किया गया था जिसमें लिखा गया है वी फोकस ऑन वन थिंग दैट ट्रूली मैटर्स और उसमें लिखा गया वी सप्रेस ओवर आवर सील्स एवरी डे और उसमें फिर नीचे लिखा गया वी कॉन्ट वेट रिवील द सेकेंड जनरेशन ऑफ द पोको, #पोको इज़ बैक।
तो दोस्तों इसमें ऐसा माना जा रहा है कि मुझे लग रहा था पोको F2 निकलेगा, फिर पोको F2 प्रो, या फिर दोस्तों पोको X2 प्रो या फिर X3 ऐसा कुछ फ़ोन लॉन्च होगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो पोको का सेकेंड जनरेशन कोई नया ब्रांड होगा या फिर कोई नई सीरीज ऐसे लॉन्च हो सकती है। तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज्ड हूँ, आप बताइएगा कि दोस्तों आप कन्फ्यूज्ड हैं या फिर कुछ समझ में आ रहा है आपको कि जो पोको का X2 प्रो आने वाला है, फिर पोको का एक और फ़ोन लिस्ट हुआ है Xiaomi इंडिया की वेबसाइट पे पोको M2 या फिर वो नया आएगा नई जनरेशन में नई सीरीज़ के साथ में, या फिर पोको कुछ नया ब्रांड लाने की सोच रहा है। आई एम टोटली कन्फ्यूज दोस्तों। तो आपको क्या लगता है आप बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करके जाइए, और आपका कोई कमेंट सुझाव दोस्तों तो ध्यान से हमको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, भूलिएगा मत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, आपका दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर करना आपके हाथ में है दोस्तों, बताना मेरे हाथ में है, रिमाइंडर कराना मेरे हाथ में है। तो आज के टेक न्यूज़ में इतना ही, विदा लेता हूँ आपसे, मिलूंगा कल टेक न्यूज़ के नए और फ्रेश एपिसोड में दोस्तों। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, वंदे मातरम।